उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ के खींची, मैं ऊपर जा रही हूँ, उन्होंने मुझे नोचा भी और ये सारी चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई। इतना ही नहीं बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, आप ये बात जब भांजे भांजियों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये सब हो जाता है। अगर हम लोग, मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, तमाम मंत्रियों के बीच में, यहाँ पर मंत्री जी भी मौजूद थे, यहाँ के सांसद भी मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी। जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये नैना यादव हैं। टाइम्स नाउ नव भारत में बतौर पत्रकार काम करती हैं, कवरेज करने के लिए, महाकाल की कवरेज करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंची थी, लेकिन वहां कवरेज के दौरान इनकी साड़ी को खींचा गया, इनको नोचा गया, और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिक्योरिटी गार्ड हैं। जी हाँ, ये सब कुछ मुख्यमंत्री के सामने हुआ, और तो और वहां पर उनकी पत्नी भी मौजूद थी। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने और उनकी पत्नी ने महिला पत्रकार से क्या कहा, आप नैना यादव के मुंह से ध्यान से सुनिए कि उनका क्या कहना है, उन पर आखिर क्या बीती है। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे इस खबर पर इन्हीं का चैनल खेल गया। अलीता टुकड़े जी, आप जहां मैं नैना यादव, हम टाइम्स ऑन अपारत और मैं कुछ नेशनल मीडिया यहां पर कवरेज करने के लिए आए। उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था, लेकिन बहुत भारी अव्यवस्था थी। महिला पत्रकारों के तौर पर एकमात्र मैं नेशनल मीडिया से आई हुई थी। हम लोग जब बाइट या फिर वन टू वन करने की बात उसमें आते हैं, तो यहाँ पर यहाँ के जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया। यहाँ के वो अब उनको मैनेज करना था, तो जो सीएम की सिक्योरिटी में थी उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ के खींची, मैं उनको हटा रही हूँ, उन्होंने मुझे नोचा भी और ये सारी चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई। इतना ही नहीं बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उनकी पत्नी पीछे आ रही थी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बेटा भीड़ में ये सब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एक नेशनल मीडिया चैनल की महिला पत्रकार के साथ इतना कुछ हो जाता है, और मुख्यमंत्री की पत्नी का उनसे कहना है कि भीड़ में ये हो जाता है। महिला पत्रकार नैना यादव ने किस तरीके से अपनी आप बीती बनाई है आप देख सकते हैं, वो कितनी हैरान है, कितनी परेशान है। बाकायदा वीडियो बनाकर उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सिक्योरिटी में जो लोग तैनात थे उन्होंने उनकी साड़ी खींची है, उनको नोचा है, और उन्होंने जब ये बात जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताई है तो उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूँ लेकिन अभी बात नहीं कर सकते। महिला सुरक्षा के नाम पर तो बड़े बड़े डंके पीटे जाते हैं, बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन असलियत क्या है आप महिला पत्रकार की आप बीती में समझ सकते हैं, उनके मुंह से सुन सकते हैं कि आखिर नेशनल मीडिया की पत्रकार के साथ मुख्यमंत्री के सामने इतना सब कुछ हो जाता है लेकिन वो माफी मांगते हैं और निकल जाते हैं। पत्नी कहती है कि ये सब कुछ हो जाया करता है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो नैना यादव हैं, जो कि टाइम्स नाउ नव भारत में काम करती हैं, ये मध्य प्रदेश की ही बेटी हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश से ही निकलकर दिल्ली पहुंची हैं और दिल्ली से निकलकर गई थी कवरेज करने के लिए। आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, उनका आगे का बयान सुनिए, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे इस खबर को इन्हीं के चैनल ने गायब कर दिया। आप ये बात जब भांजे भांजियों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये सब हो जाता है। अगर हम लोग, मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, मैं हर बार आती हूँ और मैं बहुत गौरवान्वित पलों के साथ में आई थी कि मैं बहुत गर्व फील कर रही थी कि मेरा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, एक नया कीर्तिमान बना रहा है। लेकिन जो मेरे साथ में दुर्व्यवहार हुआ, तमाम मंत्रियों के बीच में, यहाँ पर मंत्री जी भी मौजूद थे, यहाँ के सांसद भी मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, लेकिन तब भी उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने मेरे साथ में रुकी, उन्होंने ये कहा बेटा भीड़ में ये हो जाता है, ये आपकी बेटियां सुरक्षित है शिवराज सिंह चौहान मामा जी, अगर ऐसा है तो अच्छा है, मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूँ। नैना यादव का कहना है कि वहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, सांसद भी मौजूद थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी, बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे, उनके सामने सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके साथ ये सब किया है। वो कहती है कि मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ और अगर ये मध्य प्रदेश की सुरक्षा है तो बहुत अच्छा है कि मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूं। तो ये कहना है टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार का।
बता दें कि ये वीडियो जब निकल कर सामने आया तो एमपी कांग्रेस ने तो इस वीडियो को शेयर किया, आवाज भी उठाई है महिला पत्रकार के लिए और लिखा कि शिवराज की बेशर्मी का नया कीर्तिमान। उज्जैन में एक महिला पत्रकार की साड़ी पकड़कर खींचने और नोचने की घटना को बताया सामान्य। महिला पत्रकार ने बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाया, शिवराज जी आपको बेशर्मी के 100% अंक मिलते हैं, बेटियों की कैसे बचे लाज जब मुख्यमंत्री हो शिवराज। तो कांग्रेस ने तो इस पर आवाज उठाई है, महिला पत्रकार के लिए आवाज उठाई है, वीडियो भी शेयर किया है, ट्वीट भी किया है, लेकिन इनके चैनल ने, इनके खुद के चैनल ने क्या किया है, जिसकी ये दुहाई दे रही हैं, जिसकी ये आईडी पकड़कर अपनी बात रख रही हैं, उसको भी आपको दिखाती हूँ। आप देखिएगा टाइम्स नाउ नव भारत, यहाँ पर बात होनी चाहिए थी महिला सम्मान की, महिला का जैसे अपमान हुआ है उसकी, लेकिन बात क्या हो रही है खबर देखिएगा। इसमें लिखा है कि महाकाल की नगरी चमकेगी, दुनिया देखेगी 21 लाख दीपक, उज्जैन होगा जगमग। देखिए उज्जैन से नैना यादव की ग्राउंड रिपोर्ट, तो नैना यादव की ग्राउंड रिपोर्ट तो दिखा रहे हैं लेकिन नैना यादव के साथ असल में क्या हुआ है वो नहीं बता रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया है, फिलहाल अभी तक तो इस खबर को नहीं चलाया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, कई पत्रकार शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी आवाज उठाई है, लेकिन इनके खुद के चैनल ने क्या किया है वो आप देख सकते हैं। इसे बता दूं ये जो चैनल है कैसी पत्रकारिता करता है, कैसी खबरें चलाता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसमें सुशांत सिन्हा भी काम करते हैं, पाठशाला चलाते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपनी ही सहकर्मी पर की सुरक्षा पर, अपनी ही सहकर्मी के साथ हुए व्यवहार पर इनसे, पत्रकार साहब से एक शब्द नहीं बोला गया है। बीबीसी को लेकर कैसी बातें करते हैं आप देखिएगा, उनको एक ट्वीट दिखाती हूँ, हाल ही का ट्वीट है, लिखते हैं कि बीबीसी पर अब तक छापे ही पड़ रहे हैं, गजबे है। इस एंटी इंडिया दो कौड़ी के संस्थान को लतिया कर बाहर करने में इंतजार किस बात का, तो यहाँ पर बात नहीं कर सकते कि लतिया कर सिक्योरिटी गार्ड को बाहर कर दिया जाए, इंतजार किस बात का, लेकिन बीबीसी को लेकर ऐसी बातें कर सकते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक पत्रकार होने के नाते, आप उनके ट्वीट से समझ सकते हैं। उनकी पाठशाला का जो प्रोग्राम आता है नव भारत टाइम्स पर वो भी देख सकते हैं, टाइम्स नाउ नव भारत पर वो भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपनी सहकर्मी को लेकर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। और नविका कुमार जानी मानी पत्रकार है, बड़ी पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है, इसी टाइम्स नाउ नव भारत में काम करती हैं, महिला होने के ही नाते इस महिला ने भी अपनी महिला सहकर्मी के लिए किसी तरह की कोई आवाज नहीं उठाई है, कोई ट्वीट निकल कर सामने नहीं आया है। यही अगर बीजेपी, गैर बीजेपी शासित प्रदेश होता तो कैसे ये लोग छाती पीटने लगते, कैसे पाठशाला में सुशांत सिन्हा रिपोर्टिंग करते, कैसे नविका कुमार उतर पड़ती, कैसे फायर ब्रांड हो जाती, फायर ब्रिगेड हो जाती, चिल्लाने लगती, चीखने लगती, आप जानते हैं। लेकिन बात है मध्य प्रदेश की, बात है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, उनके पत्नी के बयान की, इतने संगीन आरोप की, तो सबको सांप सूंघ गया है। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब यहाँ पर सवाल इस बात का है कि आखिर बेटी किससे बचानी है ये भी बताना होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना ईमान, धर्म, पत्रकारिता सब कुछ बेच दी है। एक महिला पत्रकार के साथ इतना सब कुछ हो जाता है, एक सहकर्मी के साथ इतना सब कुछ हो जाता है, उसकी साड़ी खींचने से लेकर उसको नोचा तक जाता है, वीडियो तक वायरल होता है, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। इस खबर पर आपका क्या कहना है, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, और मध्य प्रदेश में जैसे मामा जी का राज चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो सच्चाई है वो दूसरों तक भी पहुँच सके, अपनी राय ज़रूर बताएँ, सब्सक्राइबर बटन दबाएँ, बेल आइकन दबाएँ। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।